हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप इनटू द किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी छोले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ओवरनाइट सोक करके रखे हुए छोले लिए हैं। 2 कप छोले हैं ये। अब इसमें जाएगी 2 टी बैग्स। अगर आपके पास टी बैग्स नहीं है तो आप पोटली बना के भी डाल सकते हैं, चाय पत्ती की। अब हम डालेंगे 2 बे लीव्स, सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 3 4 लवंग। अब हम इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। वैसे तो हमने रात भर छोले को भिगा कर रखा था, बट सोडा डालने से छोले अच्छे से बॉईल होंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें जाएगा 3 4 कप पानी। अब हम छोले के लिए अच्छे से बॉईल होने के लिए 3 4 सीटी ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। सो चलिए अब हम करते हैं ग्रेवी की तैयारी। और याद रखें, ये पानी हमें जो हमने खड़ा मसाले का रेडी किया है टी बैग्स के साथ, उसे हमें फेंकना नहीं है और इसे पानी से भी नहीं निकालना, बिकॉज छोले सूखे हो जाएंगे। अब हम ग्रेवी के लिए 3 टेबलस्पून घी लेंगे। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, मैं यहाँ घी और तेल यूज करूँ। एक टेबलस्पून तेल लिया। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा जीरा, 2 रेड चिली। अब इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 बड़ा कांदा। इसे अच्छे से हमें भूनना है। इसमें मैं थोड़ी सी एकदम मामूली सी हल्दी डाल रही हूँ ताकि कांदे का कलर अच्छा आए, बस थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो छोले का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट। आप चाहे तो गार्लिक जिंजर फ्रेश भी चॉप करके डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कांदा नरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हम इसमें खड़ा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चना बॉईल करते वक्त ही उसी में सब डाल दिया था। आप अगर प्रेशर कुकर में खड़ा मसाला नहीं डालेंगे तो आप कांदे के पहले भी तेल में डाल सकते हैं। अब हम लेंगे 2 टमाटर मीडियम साइज के लिए हुए प्यूरे। आप चाहें तो चॉप करके बारीक टमाटर डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्यूरे लिया। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और थोड़ी देर इसे अब ढक के रख दीजिए ताकि तेल थोड़ा सा अलग हो जाए ग्रेवी से। 1-2 मिनट तक इसे पकने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून
अमचूर पाउडर, हम इसमें अनारदाने का पाउडर भी यूज कर सकते हैं खटाई के लिए। अनारदाना काफी अच्छा जाता है छोलों के साथ, बट ये ऑप्शनल है, आपको अनारदाना या अमचूर आप डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे स्लिट की हुई मिर्ची, गाइज अब हम थोड़े छोलों को इसमें मैश करेंगे ताकि हमारी अमृतसरी जो ग्रेवी होती है जैसे थी कंसिस्टेंसी होती है, तो उसके लिए हमें थोड़े से छोले 1/3 छोले मैश करने हैं, हमें नीचे के साइड में मैश करने हैं ऊपर के नहीं, इससे स्वाद भी बड़ा अच्छा आता है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अरे वाह, हमें तो खुशबू से ही पता चल रहा है हमारे अमृतसरी छोले इज रेडी। ये आप जैसे देख सकते हैं मैश किया हुआ भी छोला और साबुत छोला भी है। आप इसे कुलचे के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, या तो चावल के साथ भी ये बड़े अच्छे लगेंगे। So, दोस्तों आपके अमृतसरी छोले कैसे बने ये हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टेप इनटू द किचन। थैंक यू।